पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में जीआरपी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जीआरपी मुरादाबाद ने 48 लाख रुपए के मोबाइल बरामद किए हैं। मुरादाबाद मंडल से चोरी हुए 240 महंगे मोबाइल बरामद किए गए हैं। एसपी जीआरपी आशुतोष शुक्ला के साथ सीओ जीआरपी देवी दयाल द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोबाइल मालिकों से शिनाख्त कराई गई। हुए और गुम हुए बड़ी संख्या में मोबाइल बरामद किए गए। अपने गुम मोबाइल लेने के लिए जीआरपी थाने पर मोबाइल मालिकों की भीड़ रही। आज 240 मोबाइल यहां पर वितरित किए जा रहे हैं, जो विभिन्न समयावधियों में गुम हुए थे, जिनकी गुमशुदगी मुरादाबाद जीआरपी थाने पर पंजीकृत की गई थी। उनको बरामद करने में हमारे सीओ साहब जीआरपी मुरादाबाद श्री देवी दयाल जी, इंस्पेक्टर श्री राजन शर्मा और सर्विलांस की टीम और उनकी टीम विभिन्न जगहों पर जा करके इसको बरामद किया है। और आप देख रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर इसको लेने के लिए आए हुए हैं। मेरे द्वारा 6-7 लोगों को अपने हाथ से मोबाइल दिया गया है और शेष लोगों को अभी वितरित किया जा रहा है। लगभग 48 लाख कीमत की ये मोबाइल हैं और हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है, जो भी गुमशुदगी के मोबाइल हैं उनको शीघ्र से शीघ्र बरामद कर उनके धारकों तक उसको पहुँचाया जाए। जो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं उनको कुरियर के माध्यम से उनके घर के पते पर उसको भेजा जाएगा, और जो आज आए हैं या एक दो दिन के अंदर आएंगे उनको यहीं से वितरित कर दिया जाएगा। सबसे पहली इतनी बड़ी बरामदगी होगी, मुजरिम कितने पकड़े गए हैं? इसमें ये 240 मोबाइल हैं, जैसा मैंने बताया लगभग 48 लाख कीमत की है। इसमें मुकदमे FIR के रूप में पंजीकृत नहीं थे, गुमशुदगी दर्ज थी। इसमें लोग मुकदमे के चक्कर में कभी कभी नहीं पड़ते हैं, समय अभाव के कारण, दूरी होने के कारण, तो वो गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। ऐसी स्थिति में मुलजिम इसमें कोई गिरफ्तार नहीं है, बल्कि मोबाइल बरामद किए गए। किस तरीके से बरामद हुए, कैसे हुए? इसमें जब ये मोबाइल सर्विलांस पे लगा करके इसकी डिटेल देखी जाती है, फिर वहाँ पहुँच करके जिनके पास होते हैं उनसे मिल करके इसको बरामद किया गया। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।